हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सीक्रेट शेफ। आज हम बनाएंगे एक यम्मी सा सैंडविच, वो भी मेरे रात के बचे हुए चिकन कीमा के साथ। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। ये मेरे पास रात का बचा हुआ चिकन कीमा है, इसकी हम स्टफिंग करेंगे। ब्रेड लेंगे, ऑरिगेनो लेंगे, मिक्स हर्ब लेंगे, ब्लैक पेपर, चीज़, टमाटर जो एक है मैंने काट लिया है, एक प्याज, सॉल्ट, टमाटो केचप, चिली सॉस और थोड़ा सा तेल। चलिए शुरू करते हैं। हम दो स्लाइस लेंगे और इस पे केचप लगाएंगे। दूसरे स्लाइस पर चिली सॉस लगाएंगे। अब हम चिकन का, जो मेरा रात का बचा हुआ चिकन का कीमा है, मैं उसकी स्टफिंग करूंगी। अब हम इस पे अनियन रखेंगे, टमाटो रखेंगे, अब हम इस पे ऑरिगेनो डालेंगे। ब्लैक पेपर डालेंगे, मिक्स हर्ब डालेंगे, ये आसानी से बाजार में मिल जाती हैं। चीज़ रखेंगे, फिर इसको ऐसे, ये देखिए, ये मैंने तीन सैंडविच तैयार कर लिए हैं और इसे मैं दो तरीके से बनाऊंगी। एक तो जैसे मैं इस सैंडविच मेकर में बनाऊंगी और दूसरा मैं ये पैन में बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसे ऑयल, तो चलिए हम इसे रखते हैं। और इसे बंद करते हैं और अपनी गैस पर रख देते हैं। हमें आँच ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, हल्की आँच रखना है, मीडियम हाई। और अब हम अपना पैन में एक सैंडविच बनाते हैं, जिसके लिए हम ऑयल डालेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं, अब हम इसे पलट देते हैं और ये वाला सैंडविच भी देख लेते हैं। इसको भी हम पलट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इसको हम थोड़ी देर को ढक देते हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं। लगभग 5 मिनट हो गए हैं। ये हम अपना निकाल लेते हैं, गर्म है काफी, संभाल कर। ये देखिए एक मैंने इसमें सैंडविच मेकर में बना लिया।
पैन वाला सैंडविच भी हमारा तैयार है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। लीजिए, तैयार है ये हमारा यम्मी सा सैंडविच जो मैंने रात के बचे हुए चिकन कीमा से बनाया है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।